कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फूड बिल पर कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल को आने वाले लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर की तरह देख रही है। कांग्रेस के सभी सचिव स्तर के नेता भी इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के सभी नेताओं को ये संदेश देंगे कि फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि जनता को सरकार की इस योजना की जानकारी मिल सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने वाली है। इस बैठक में सोनिया गांधी सभी मुख्यमंत्रियों से ये अपील करेंगे कि फूड अध्यादेश का सख्ती से पालन हो ताकि कोई भी भूखा न सोए। केंद्र सरकार पहले ही फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पारित कर चुकी है। सरकार ने भरोसा जताया है कि संसद के मानसून सत्र में इसे पारित करवाया जाएगा। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने गरीबी का आंकलन करने के योजना आयोग के तरीके को चुनौती दी है। कपिल सिब्बल ने अपनी ही सरकार के योजना आयोग से साफ तौर पर मतभेद जाहिर किए हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने गरीबी का आंकलन करते हुए कहा कि 5 लोगों का परिवार 5,000 रुपये मासिक की आमदनी में गुजारा नहीं कर सकता। इस हफ्ते की शुरुआत में योजना आयोग ने कहा था कि 5 लोगों का परिवार अगर ग्रामीण इलाके में 4,080 रुपये मासिक और शहरी क्षेत्र में 5,000 रुपये मासिक खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। यूपीपीएससी में नए आरक्षण नियम को लागू करने के छात्रों के विरोध को देखते हुए अखिलेश सरकार ने रिजर्वेशन की नई पॉलिसी को वापस ले लिया है। सरकार गिरफ्तार आंदोलनकारी छात्रों को रिहा करने के लिए भी जल्द ही कदम उठाएगी। यूपीपीएससी में लागू नई रिजर्वेशन पॉलिसी को अखिलेश सरकार से वापस लेने के फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संतोष जताया है। मायावती ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जाति विशेष के पक्ष में काम कर रही है। गाजियाबाद के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का स्कूल बस में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। बच्चा नर्सरी का स्टूडेंट है। दूसरी ओर स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि जिस बस में बच्चे ने यौन उत्पीड़न का मामला सामने में लाया है वो स्कूल की बस नहीं है। वहीं बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि एडमिशन के वक्त स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल बस की सुविधा न मिल पाने की बात कही थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़की से रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था। लड़की से महालक्ष्मी और लोअर परेल स्टेशन के बीच रेप की कोशिश की गई। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश भी आरोपी ने की। करीब 5 मिनट तक आरोपी ने लड़की से रेप की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे ट्रेन से भी फेंकने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गंभीर बीमारियों से परेशान मरीजों को और मुसीबत में डालता था। मरीजों को मुसीबत में डालकर पैसा कमाने वाला गिरोह नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी मेडिकल उपकरण बनाकर बाजार में सप्लाई किया करता था। चंडीगढ़ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के घर के बाहर तेजाब की बोतलें मिली हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि ये बोतलें कहां से आई। क्या मनीष तिवारी के खिलाफ कोई साजिश रच रहा था। तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने पर अगले महीने कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है चुनावी साल में कांग्रेस अलग तेलंगाना राज्य का ऐलान कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमेरिका से ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करे। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत है तो वो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी में इस पद के लिए कई उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की गुंडागर्दी सरेआम दिखाई दी। मुंबई के कमानी इलाके में सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से एमएनएस नेता दिलीप नांदे ने बीएमसी के ठेकेदार की पिटाई की। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मिर्जापुर के विंध्याचल में तंत्र साधना की। लालू यादव ने पूरे विधि विधान से पगला बाबा के आश्रम में तंत्र पूजा संपन्न की।
राजनीति के पंडित माने जाने वाले लालू यादव ओगड़ बाबा के आश्रम में कभी आंखें बंद कर तांत्रिक बाबा के बताए मंत्र को गुदगुदाते हैं तो कभी बकरे की पीठ पर हाथ फेरते नजर आते हैं। लालू यादव विंध्याचल में पगला बाबा यानी पागल शंकर विभूति नारायण परमहंस सरस्वती के दर पर पहुंचे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले पगला बाबा के चरणों में शीश झुकाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को सिर्फ सलवार कमीज और दुपट्टा ही पहनना होगा। नियम तोड़ा तो 500 रुपए का चालान कटेगा। छात्राओं के लिए नई ड्रेस गाइडलाइन को अब्दुल्ला हॉल के गेट दीवार और नोटिस बोर्ड पर चस्पा दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले शिक्षा सत्र तक यहां कपड़ों को लेकर किसी तरह का निर्देश नहीं था। यहां की छात्राएं हॉल में रहते वक्त मनचाहे लिबास पहना करती थीं।